अल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन या अपना तारुफ कैसे कराते हैं इस पर बात करेंगे। तो आप सबसे पहले नाम पूछते हैं किसी से, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और माय नेम इज़ हिना, मेरा नाम हिना है। व्हाट इज़ योर नेम, अब हिना पूछ रही है कि व्हाट इज़ योर नेम, और दूसरा बच्चा बता रहा है माई नेम इज़ अली, मेरा नाम अली है। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जब घर से स्कूल आते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस शहर में रहते हैं, आपका घर कहाँ पे है, आपके वालदैन का नाम क्या है, आपके वालिद कौन से ऑफिस में काम करते हैं, और फ़ोन नंबर क्या है। तो सबसे पहले आज डिटेल में देखते हैं कि वेयर डू आई लिव, मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो आप सबसे पहले ग्लोब एक लें, उस पर एशिया जो हमारा बर-ए-आज़म है उसको आइडेंटिफाई करें। फिर एशिया में सब कॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान है, तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान को तलाश करें। ठीक है, ये पाकिस्तान का नक्शा आपके सामने आ गया। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में 5 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। तो आप देखें कि बलूचिस्तान जो है वो समुंदर से सिंध और बलूचिस्तान लगते हैं, और जैसे हम नॉर्थ की या शमाल की तरफ जाते हैं, ये नक्शे पे निशान भी बना होता है, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं पंजाब के शहर रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है, तो आप पंजाब का नक्शा ढूंढेंगे, उसमें रावलपिंडी को तलाश करेंगे। आपने जब रावलपिंडी को तलाश कर लिया तो फिर आप रावलपिंडी का नक्शा देखेंगे, और उसमें से रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके दिखाए गए हैं। तो आप उसको जैसे वेस्टरिज है, अफशां कॉलोनी है, लियाकत बाग है, राजा बाजार है, आप ये प्रैक्टिस करें, ग्लोब अपने सामने रखें, आपको एक तो बड़े आज़म बनाने आ जाएंगे, अपना घर का भी पता चल जाएगा। फिर आप अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें, उसमें अपना घर का नंबर लिखें, स्ट्रीट का नंबर लिखें, और फिर जिस कॉलोनी में आप रहते हैं और शहर में, और आखिर में अपना फ़ोन नंबर लिखें। तो ये तो हो गया एक आपका इंट्रोडक्शन, और एक अल्लाह ताला हमें इंट्रोडक्शन देता है कि हम कौन हैं। अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें ज़मीन में खलीफा बनाया है, और बाज़ को बाज़ के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए हैं। और अल्लाह ने किस लिए हमें खलीफा बनाया है, ताकि हमारी आजमाइश करे। और फिर अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया जिसमें हमें सज़ा और जज़ा देगा। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि हम थोड़ी सी देर के लिए दुनिया में आए हैं, हमने हमेशा नहीं यहाँ पर रहना। अगर आप देखें कि सूरज भी अल्लाह की मखलूक है, तो सूरज के मुकाबले में हमारी ज़िंदगी कितनी थोड़ी सी है। फिर अल्लाह ताला कुरान जीद में फरमाते हैं सूरह आल इमरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी जो भी दुनिया में आया है उसे जाना है, और हम देखें तो हमारे से पहले बहुत से लोग जा चुके हैं, और हमने भी जाना है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि भला नहीं है ताकि हमने उसको दो आँखें और ज़बान और दो होंठ। अल्लाह ताला ने हम सबको आँखें दी देखने को, बोलने को ज़बान दी है, और हमें जो के 32 दांत और दो होंठों के दरमियान है। तो प्यारे बच्चों, ये नेमतें ऐसी हैं जो हर एक के पास हैं। हाँ, दुनियावी लिहाज से किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन अल्लाह ने सबको नेमतें अता की हैं। फिर अल्लाह ने खाली हमें दुनिया में खुला नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ने हमें दिखा दिया खैर और शर दोनों की राहें। सच का रास्ता इख्तियार करना और झूठ का रास्ता इख्तियार करना, दोनों वाजे कर दिए। फिर हमारी आजमाइश हो रही है। आप सोचें कि जो कुछ सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम जो भी काम करते हैं वो हम कैसे करते हैं। अगर तो हम सही नियत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं तो वो हमारे लिए इबादत बन जाते हैं। यानी अगर हम सुबह मसनून तरीके से उठते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अम्मी अब्बू को सलाम करते हैं, तो फिर हम सारे आजमाइश में हैं। आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो हर बच्चे को लैदा लैदा बिठाया जाता है, वो खुद से लिख रहा होता है, फिर एक टीचर भी होती हैं जो उसकी निगरानी कर रही होती हैं। तो हमें जो कुछ हम किताबें पढ़ते हैं,
हम उनको जो है वो अपने पेपर हल करने में लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है उसने आजमाइश हमारी 24 घंटे हो रही है, लेकिन अल्लाह ने हमें लिखने की तकलीफ से बचा लिया, बल्कि करामन कातबीन है फरिश्ते, जो कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे आता है कि हमारे दोनों कंधों पे एक एक फरिश्ता बैठा हुआ है। सीधे हाथ वाला फरिश्ता हमारे अच्छे काम रिकॉर्ड करता है, और बाएं बाजू वाला फरिश्ता जो है वो जो हम गलत बातें करते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तो अगर आज के आप ज़माने में देखें तो समझना बहुत आसान है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो एक वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ये दो बच्चे आपको खेलते, उठते, बैठते, जो कुछ भी करेंगे, एक बहुत पावरफुल कैमरा जो है वो वीडियो हमारी रिकॉर्ड कर रहा है, और वो क़यामत वाले दिन हमें से हर एक को वीडियो दिखा दी जाएगी, जिस तरह हम एक वो लोग जो मौजूद नहीं होते दूसरे लोगों की वीडियो देखते हैं। फिर आप देखें कि हमारे ऊपर एक निगरानी करती है टीचर, लेकिन हम कभी उससे छुप के नकल भी कर लेते हैं क्योंकि टीचर आगे देख रही है, पीछे नहीं देख रही। लेकिन एक तो अल्लाह ताला ने किरामन कातबीन हमारे साथ रखे हैं, फिर अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं तुम्हारे दिनों के छुपे हुए राज जानता हूँ, यानी जो तुम कर रहे हो, जो नज़र आ रहा है वो ही नहीं बल्कि जो तुम्हारे दिलों के अंदर है मैं वो भी जानता हूँ। तो इसलिए अगर एक बज़ाहिर दो काम एक जैसे हैं लेकिन अगर नियत अच्छी नहीं है तो वो अल्लाह क़यामत वाले दिन हमें उसका अजर नहीं मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह को खुश करने की नियत होनी चाहिए। फिर आपको पता है कि जब हमारा रिज़ल्ट डे होता है तो उसमें कुछ तालिबे इल्म बहुत खुश होते हैं, वो अपना रिज़ल्ट हर एक को दिखाते हैं कि देखो मैंने पास हो गया, मैं अगली जमात में चला गया। लेकिन कुछ तालिबे इल्म ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की होती, उनके पसीने छूट रहे होते हैं, उन्हें शर्मिंदगी हो रही होती है, काश हमारे रिज़ल्ट डे ना आता, हमारे माँ बाप को हम क्या मुँह दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा है कि क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें तीन ग्रोहों में तकसीम करूँगा, एक दाएं बाजू वाले, एक बाएं बाजू वाले, एक सबकत ले जाने वाले। तो दाएं बाजू वाले जो हैं वो अच्छे काम ज़्यादा होंगे, बाएं बाजू वाले के बुरे काम ज़्यादा होंगे, और सबकत ले जाने वाले के सिर्फ अच्छे काम ही होंगे। तो तीन अल्लाह ताला कहता है जन्नत में छः चीज़ें नहीं होंगी, मौत नहीं होगी, नींद नहीं होगी, हसद नहीं होगा, नजासत या गंदगी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, और बीमारी और गम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, जन्नत में सच का रास्ता जन्नत की तरफ लेके जाता है, सलामती का रास्ता है, और वो कैसे हासिल कर सकते हैं, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, क्योंकि कुरान मजीद के हमारे ऊपर हकूक हैं कि हम उस पर ईमान लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो लेके आते हैं, उसकी तलावत भी करते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता, हम पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर तदब्बुर कैसे कर सकते हैं। तो कुरान मजीद का हक है कि हम उसे समझ कर पढ़ें। तो आज से कुरान मजीद को उर्दू ज़बान में पढ़ना शुरू करें, आपको समझ आए कुरान आपसे क्या कह रहा है, और क़यामत वाले दिन हम खुश हर एक को अपना नतीजा दिखाएँ। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा।